हेलो बच्चों बच्चों, आज हम लोग कुछ टॉपिक पे बात करने आए हैं। बात है सर खान सर की। खान सर जो पटना में हैं, उनको लेकर बहुत ही बड़ा बड़ा विवाद हो रहा है। आप लोग जानते हैं नहीं है कि जिस शख्सियत के बारे में आप लोग ऐसे विवाद खड़ा कर रहे हैं, उस शख्सियत के वजह से हिंदुस्तान में एक गरीब बच्चा भी अपने सपनों को पूरा करने की उम्मीद रखता है। क्योंकि आप जानते हो कि खान सर ही एक ऐसे टीचर है जो 11 रुपए में एक बैच लॉन्च कर देते हैं। यहाँ किसी की हिम्मत नहीं होती है कि 1100 रुपए में किसी बैच को लॉन्च करने की, और ये 11 रुपए में किसी बैच को लॉन्च कर देते हैं जिसमें कोई भी गरीब बच्चा जाकर पढ़ सकता है, कुछ भी बन सकता है। और उनको बदनाम करने के लिए कुछ एजेंसियाँ हैं जो कि उनको पहले तो ख़रीदने की कोशिश की, अगर ख़रीद नहीं पाए तो फर्श उनका बदनामी करना शुरू कर दी। अब धर्म की ये बातें बेकार हो गई। जब हम पटना में थे 2008 में, उस समय बाढ़ आया था। उस समय हम सोच रहे थे, एक बार एक घटना हुआ मेरे रूम पे, एक छोटा बच्चा, हम सोए थे तो आया और आकर के कुछ लेकर के भाग गया, छत पर लेकर भागा। मैं उसके पीछे पीछे गया कि पता नहीं क्या चोरी करके लेके भागा है। जब मैं ऊपर गया तो देखा कि वो मेरे कुकर लेकर भागा था जिसमें चावल था, और सिर्फ चावल ही खा रहा था। जब हम उसको पूछे तो बोला कि भैया मेरे माँ बाप दोनों ही बाढ़ में डेथ कर गए हैं। उस समय हमें लगा कि ऐसा कोई हो जो इन लोगों को, जिनके माँ बाप नहीं हैं, उनको रखे। मुझे कुछ नहीं पता चला। मैं सोचता था कि कोई एक ऐसा फरिश्ता आए, लेकिन आज जो लोग जिसकी बदनामी कर रहे हैं वही खान सर बिना किसी जाति धर्म पूछे और उन लोगों की हेल्प करते हैं। तो ये है उनका तरीका। वो चाहते हैं कि हमारा देश किसी तरह से आगे बढ़े। आज तक कभी उन्होंने अपने नाम के बारे में कुछ भी नहीं बताया, और लोगों को उनके नाम जानने की ज़रूरत है। अरे किसी भी गुरु का ज्ञान पूछो, अगर आपके पास है हैसियत तो उनके ज्ञान पूछो। उनके वीडियो से हम लोग पढ़ते हैं, और आप लोग क्या समझोगे उनको, खान सर को समझना अभी आपको मुश्किल है। ये छोटी सी वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये पता नहीं कि कहाँ तक जाएगा, लेकिन उनको सपोर्ट कीजिए। एक टीचर की सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि अगर जो फ्री में पढ़ाई हो जा रहा है यूट्यूब पे, आप उसके कंटेंट कितने पैसे देकर भी नहीं खरीद सकते थे। अगर आज वो अपने कंटेंट को बेचने लगे तो सिर्फ अमीर लोग ही पढ़ पाएंगे, और गरीब लोगों पे, लोगों के लिए एक अत्याचार हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वो खान सर ही हैं जो उनके वजह से एक गरीब बच्चा भी ये उम्मीद रखता है कि नहीं, हम भी पढ़ के कुछ कर पाएंगे, हम भी कल पढ़ के IPS IAS बन पाएंगे। तो इसके पीछे वो खान सर ही हैं। अगर आप उनको आज सपोर्ट नहीं कीजिएगा, जो आपको उनके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो कल को एक जो दीपक जलाने के लिए निकले हैं वो बुझ जाएगा, और हमारे देश के महान टीचर्स में से खान सर एक हैं। ठीक है, तो आपको हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा आप करेंगे कि आप उनको सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए खान सर को। खान सर, आपने सच ही कहा था कि जिनकी कुछ ऐसा कामयाब बनो कि आपको गिराने के लिए लोगों को साजिश करना पड़े, शायद आपको साजिश का शिकार हो गए। लेकिन हम लोग आपके सपोर्ट में हैं सर, और हमेशा रहेंगे। अभी ही नहीं, पहले भी सपोर्ट में थे और हमेशा रहेंगे आपके सपोर्ट में। लव यू खान सर। जय हिंद।